हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नंबर एक्स। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th मैथ्स के कॉम्पिटेंसी बेस्ड टेस्ट आइटम क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 को करने वाले हैं, जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से लिया गया है। क्वेश्चन है, अंडर अ रिलीफ स्कीम रुपीज एन स्क्वायर वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग एन नंबर ऑफ पीपल, द फर्स्ट बेनिफिशरी रिसीव्ड 1 + 1/n + 1 ऑफ रिमेनिंग अमाउंट, द सेकेंड बेनिफिशरी रिसीव्ड ₹2 + 1/n + 1 of the remaining amount. The third beneficiary received ₹3 + 1/n + 1 of the remaining amount. The distribution is done in the same pattern for all the beneficiary. Which of the following expression represents money received by the first beneficiary? First beneficiary ko first term main assume kar leta hu T1. Inko mil raha hai ₹1 plus 1/n + 1 ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट, यानी टोटल अमाउंट है एन स्क्वायर और उसमें से हम 1 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ये है फर्स्ट बेनिफिशरी को अमाउंट जो मिलने वाला है। तो इसमें से आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 9 है, हु डू यू थिंक विल गेट द मैक्सिमम अमाउंट, किसको सबसे ज़्यादा अमाउंट मिलेगा। इसके लिए हमें सभी बेनिफिशियरी के जितने भी अमाउंट मिल रहे हैं उनको हमें लिखना होगा। तो सबसे पहले हम फर्स्ट वाले को कर लेते हैं। फर्स्ट वाले को अभी हमने देखा था कि T1 = 1 + 1/n + 1 ऑफ, यानी मल्टीप्लीकेशन आप ले सकते हो, n² - 1 विच इक्वल्स 1 + n² - 1 को आप फैक्टर आउट कर सकते हो a² - b² के आइडेंटिटी यूज करके, n - 1 × n + 1 डिवाइडेड बाई n + 1। यहाँ से n + 1 कैंसिल हो जाएगा, इससे हमें मिलेगा 1 + n - 1। फिर 1 और -1 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा =n, यानी फर्स्ट बेनिफिशरी को ₹n मिल रहे हैं। सेकेंड बेनिफिशरी को मिल रहा है यानी T2 = 2 + 1 × 1/n + 1 मल्टीप्लाइड बाई रिमेनिंग अमाउंट। तो रिमेनिंग अमाउंट क्या होगा, टोटल अमाउंट n² था, उसमें से ₹n मिल गया है फर्स्ट को, तो ये हो जाएगा -n, और ₹2 सेकेंड बेनिफिशरी को मिल रहा है, दिस इज -2 विच इक्वल्स 2 + n² - n - 2 को फैक्टर आउट कर लेते हैं, जिससे आपको मिलेगा n + 1 × n - 2 डिवाइडेड बाय n + 1 है, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होने के बाद ये मिलेगा आपको 2 + n - 2, यहाँ से फिर 2 और 2 - 2 कैंसिल होने के बाद आपको n ही मिलेगा, यानी सेकेंड बेनिफिशरी को भी ₹n ही मिल रहा है। वैसे ही आप यदि देखेंगे थर्ड का कैलकुलेट कर लेते हैं, थर्ड का है 3 + 1 × 1/n + 1, उसके बाद है रिमेनिंग अमाउंट, तो रिमेनिंग अमाउंट कितना होगा n² और इन दोनों लोगों को मिला है n और n₹, यानी -2n और ये ₹3, ये हमें रिमेनिंग अमाउंट हो गया। फिर इसको यदि आप फैक्टर करेंगे तो आसानी से n + 1 कैंसिल हो रहा है हमेशा, तो लिख रहेंगे 3 + n - 3 × n + 1 डिवाइडेड बाई n + 1, यहाँ से कैंसिल होगा और फिर ये 3 + n - 3 यानी n ही मिलेगा। इस तरह से आप करते जाएंगे। अब मैं आपको nth टर्म दिखा देता हूँ, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ पीपल हैं n, तो nth के लिए भी हमें वेरीफाई करना होगा। इसको मैं लिखूंगा n+, इसको ध्यान से देखना आप लोग, 1 × 1/n + 1, और बैलेंस अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, टोटल अमाउंट है n² इसमें से हम माइनस करेंगे किसको, अब तक हमें n के पहले n-1 लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, n-1 लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया और कितना रुपीज किया है n₹, ठीक है। उसके बाद जो nth पर्सन है
उसको हमने कितना दिया, एन रुपीज। तो ये हुआ बैलेंस अमाउंट, इसको आप लिख सकते हो एन प्लस, और यहाँ से इसको थोड़ा सा हमें मल्टीप्लाई करना है, थोड़ा सा कैलकुलेट करना है, तो इसको आप लिखेंगे एन स्क्वायर। अब यहाँ से एन से इस एन माइनस वन में मल्टीप्लाई कर लेंगे, माइनस साइन है ही, माइनस एन स्क्वायर, फिर एन इंटू माइनस वन माइनस एन होगा, और यहाँ पर माइनस एन है यानी प्लस एन हो जाएगा, माइनस एन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन। यहाँ से आप देख रहे हैं आसानी से कैंसिल हो रहा है सब, यानी एन प्लस जीरो इज इक्वल टू एन। तो एन एथ पर्सन को भी एन रुपीज ही मिल रहा है। तो क्वेश्चन है, हु डू यू थिंक विल गेट द मैक्सिमम अमाउंट? तो एवरी पर्सन विल गेट एन रुपीज, दैट इज एवरी पर्सन विल गेट सेम अमाउंट। तो क्वेश्चन नंबर 10 इसी क्वेश्चन पे आधारित है। क्वेश्चन नंबर 10 है, इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिलीफ फंड फेयर? जस्टिफाई योर आंसर। आंसर हमारा क्या होगा, जस्टिफिकेशन तो ऑलरेडी हमने दे दिया है। यस डिस्ट्रीब्यूशन इज फेयर एज एवरी पर्सन गेट्स एन इक्वल अमाउंट अलॉन्ग विथ वैलिड मैथमेटिकल रीजनिंग। यस डिस्ट्रीब्यूशन इज फेयर एज एवरी बेनिफिशियरी गेट रुपीज एन। तो ये है क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। आपको ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट में जरूर बताएं, यदि अच्छा लगा तो लाइक करें, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।